नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेबी डिजिटल और मैं हूं काजल। बुजुर्ग महिलाओं को ठगने वाली एक शातिर महिला को नागपुर पुलिस ने धर दबोचा है। ये महिला कोरोना वैक्सीन का डोज लेने वालों के खाते में सरकार द्वारा पैसा जमा किए जाने का झांसा देती थी। पिछले काफी महीनों से अलग अलग थानों में इस अज्ञात महिला के नाम से धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आ रही थी और आखिरकार नागपुर पुलिस की अपराध शाखा ने जाल बिछाकर इस महिला को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को धोखाधड़ी के इस मामले में गत बुधवार को बड़ी सफलता मिली। पिछले कुछ महीनों से घट रही धोखाधड़ी की शिकायतें मिलने के बाद यूनिट 3 की टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस शातिर महिला को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और गुप्त सूचना एवं सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे इतवारी रेलवे स्टेशन पर धर दबोचा। गिरफ्तार की गई महिला का नाम निशिगंधा उर्फ ज्योति गोपीचंद रामटेके है, जो कि गोंदिया जिले की आमगांव की रहने वाली है। यूनिट 3 के पूरे पथक ने, सब हमारे जो अधिकारी है और सब अमलदार है, उन्होंने पिछले 15 दिन से इस पर काम किया था। और एक निशिगंधा रामटेके करके गोंदिया में रहने वाली महिला थी। वो महिला गोंदिया से नागपुर आके अलग अलग जगह पे जाके जो वयोवृद्ध बूढ़ी महिलाएं होती है उनको, वो बूढ़ी महिलाओं को बराबर ट्रैप करती थी और उनको तुम्हारे कोरोना के पैसे आए हैं ऐसा बोल के उनके जो गले में का गंठन और बाकी ये दागिने जो है वो निकाल के लेके जाती थी। इस तरह वो महिलाओं के साथ चीटिंग करती थी। तो नागपुर में पिछले एक साल में, समझो 2022 में, ऐसे 11 गुने हुए थे जो हमने ओपन किए हैं और उसमें तकरीबन 70 ग्राम का जो सोना है वो सोना भी रिकवर हुआ है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पिछले एक साल के दौरान ठगी की 11 वारदात को अंजाम देने का खुलासा हुआ है। ये जालसाज महिला खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताकर सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को ही अपना निशाना बनाती थी और झांसा देकर उनके गहने अपने पास ही रखकर गायब हो जाती थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस महिला के पास से करीब 3.5 लाख रुपए के आभूषण भी जब्त किए हैं। इसका रिकॉर्ड है पहले का, 2020 के पहले छत्तीसगढ़ में उसके ऊपर कुछ गुने दाखिल है। और ये जो महिला है, तुम्हारा विश्वास संपादन करती थी, तुमको बोलती थी कि तुम्हारे कोरोना के पैसे आए ऐसा बोल के किसी बैंक के बाजू में ले जाके बिठाती थी और वहाँ पे फिर बोलती थी अगर तुम्हारे गले में दिखेगा, कान में दिखेगा तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे ऐसा बोल के गले में का कान में का निकालने को बोल के वो खुद वो लेके जाती थी और चीटिंग करती थी। बहरहाल क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 ने गिरफ्तार महिला को शांतिनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और उससे ठगी के अन्य मामलों की पूछताछ की जा रही है।